द्विवेदी और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट्स को जल्द ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल सकता है। स्टेट पेटेंट ऑफिस ने एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पताचित्रा पेंटिंग्स, डोका, वुडन मास्क आदि के लिए जीआई टैग मांगा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा ने रसमादा गांव में इसकी आधारशिला रखी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा रेटेड 4500 एमएसएमईज की एक स्टडी में यह पाया गया है कि इनमें से सिर्फ 4% एमएसएमईज ने ही बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉय किया है। ज्यादातर एमएसएमईज बेसिक कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम ही इस्तेमाल करती हैं। उद्योग आधार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पिछले 10 महीने में 5070 एमएसएमईज ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट से एमएसएमई सेक्टर में फंड फ्लो बढ़ जाएगा और आसानी से फंड अवेलेबल होगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कहा है। आईआईटी हैदराबाद ने कहा है कि वो अगले 2 सालों में $15 मिलियन स्पॉन्सर्ड रिसर्च के लिए रेज करेगा। हाइक मैसेंजर ने न्यू राउंड ऑफ फंडिंग्स के तहत $175 मिलियन रेज किए हैं। भारत का निर्यात प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के टर्म में बेहतर अवस्था में है। भारत के टॉप 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टोटल शिपमेंट्स का 58% है।